नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सभी का जवाब भी ओवरऑल पाम रीडिंग में कवर किया जाएगा। सबसे पहली बात की फिंगर की लेंथ आपके पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना पहले एक्शन लेना उसके बाद प्रॉपर थिंकिंग करने की आदत भी देता है। शॉर्ट फिंगर में जल्दबाजी, हड़बड़ी, तुरंत काम करने की आदत ज्यादा होने के कारण आप जिससे जातकों में पेशेंस की थोड़ी कमी होती है, और जब लिटिल फिंगर और बाकी फिंगर में थोड़े थोड़े गैप मेंटेन होने लगे तो ये अधिक खर्चीले स्वभाव को, ओपन माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी को, हर किसी को एक्सेप्ट करना, हर किसी के साथ सरलता से ढल जाना, हर किसी के लिए डिवोटेड होने टाइप के नेचर को भी इंडिकेट करता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोल तक पहुंच रही है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया रहने वाला है। एक समय पर एक से ज्यादा काम भी आप इजीली मैनेज हैंडल कर पाने में सक्षम रहेंगे। अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से कह पाने में भी आप सक्षम रहेंगे। लोगों को कन्विंस करने की कैपेबिलिटी, अट्रैक्ट करने की योग्यता भी आपके मरकरी में बहुत ज्यादा अच्छी है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन आपको बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ सर्विस में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कराने वाला रहेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ जब स्ट्रॉन्ग होती है तो ये रिस्क टेकर बनाता है, जिसके कारण कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, रिस्क लेने से लाइफ में पीछे नहीं हटते। जैसा आपने कंफर्म भी किया है कि आज सैलरी से ज्यादा आपके लोन या ईएमआई आते हैं, तो यहाँ पर इसके पीछे कारण ये है कि सूर्य ने आपको बल तो दिया लेकिन आपका जो सन माउंट है वो थोड़ा नेगेटिव है। सन माउंट के ऊपर में जब भी क्रॉस का साइन होता है तो इस कंडीशन में लोन लेके काम करने का सजेशन नहीं दिया जाता क्योंकि बर्डन और ज्यादा बढ़ता है। नौकरी का भी सजेशन नहीं दिया जाता है क्योंकि बॉस से नहीं बनती है या फिर अपने जो कलीग्स होते हैं उनसे भी नहीं बनती या मिस यूटिलाइज होते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं जॉब में। बहुत अच्छी काबिलियत होने के बावजूद भी क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिल पाना, रिस्पेक्ट में कमी होना, अपने नाम से भी काम करने में यहाँ पर मना व्यक्ति को किया जाता है कि आपको नहीं करना, गुप्त रूप से काम करना चाहिए। तो जब तक आपका सन माउंट की कंडीशन अच्छी नहीं हो जाएगी तब तक आप किसी भी तरीके का रिस्क लेंगे वो कहीं ना कहीं उतना फ्रूटफुल साबित नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको सन की रेमेडी करना जरूरी है ताकि प्रॉपर नेम, फेम, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन आपको मिल सके और फिर आप जिस भी फील्ड में रिस्क लें आपको सफलता, नाम सम्मान में बढ़ोतरी होते जाएगा। फर्स्ट फिंगर जब भी सेकंड फिंगर से नॉर्मली इंडिपेंडेंट पाया जाता है तो ऐसे जातक के पास अपना खुद का विजडम, नॉलेज, एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी रहती है। आप जैसे जातक इजीली दूसरों से कन्विंस नहीं होंगे, दूसरों की हाँ में हाँ मिला देंगे लेकिन खुद की बुद्धि विवेक से ही अत्यधिक काम या निर्णय करते हुए देखने को मिलेंगे। लिटिल फिंगर जब प्रोमिनेंटली इंडिपेंडेंट होता है बाकी फिंगर से तो आप जैसे जातक सुन सबके लेते हैं लेकिन करते अंततः अपने मन की है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको इस बात को प्रेरित कर रहा है कि आप जितना ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, दब करके काम करेंगे, जितने ज्यादा लिमिटेशंस में रहेंगे या प्रेशर में रहेंगे आप अपने काबिलियत को निखार नहीं पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर आपके जॉब की कंडीशन बहुत ज्यादा बेटर शो हो ही नहीं रही है, जॉब में बहुत मेजर स्ट्रगल्स आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें क्रॉस का भी साइन है और स्क्वायर का भी साइन है। स्क्वायर का साइन होने के कारण मार्केट में डिमांड की आपकी कमी नहीं होगी, कहीं ना कहीं से डिमांड आते रहना, काम मिलते रहना, ये सब रहेगा, लेकिन क्रॉस होने के कारण जिस तरीके का सक्सेस मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं कोई और ले जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सन रेमेडी करने की सख्त जरूरत है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं आपकी बहुत अच्छी खासी मौजूद हो रही है, अपर इवन पोर्शन में भी है। आप बहुत फ्रेंडली, फ्रेंकली टाइप के इंसान है, आप हर किसी के साथ ढल जाते हैं, हर किसी को अपना मान लेते हैं या बना लेते हैं, हर किसी को वो कंफर्ट जोन दे देते हैं जो शायद कोई और ना देता हो। आपके नजर में छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब एक ही समान है। फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जिसके कारण यह क्लियर कट डिसीजंस लेते समय प्रॉब्लम देता है। प्रोमिनेंटली डिसीजंस लेने में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, स्पष्टवादिता में थोड़ी कमी यह देता है। जब भी फर्स्ट फिंगर पे इस तरह की ओर आड़ी रेखा आ जाए तो हमेशा फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल रहता ही है, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा जिस भी फिंगर के ऊपर आ जाए उस ग्रह से संबंधित हमें परेशानियां झेलनी पड़ती है। जैसे जुपिटर पे ये इस तरह की आड़ी रेखा फैमिली को डिनोट करती है और फैमिली के लिए आप
कितना ही कुछ कर लीजिए लेकिन वहां से अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो वो फुलफिल नहीं होगा। आपकी जो हार्ट लाइन है वो दोनों हथेली में पूरा जुपिटर की तरफ समाहित हो चुकी है, जो आपको इमोशनल सेंसिटिव बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग बना रहा है, बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा एक तरीके से केयर टाइप का नेचर या पेरेंटिंग टाइप का नेचर अपने पार्टनर के लिए भी दे रहा है। लेकिन इस तरह की आड़ी रेखा दर्शा रही है ऋण को कि आप अपने फैमिली में ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कभी भी कि इन रिटर्न वहां से कुछ मिले, नाम सम्मान ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें तभी मिलेंगी जब आपका ऋण खत्म हो जाएगा देने का, तब आपको मिलना वहां से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आप जहां भी अपनी इमोशन लगा रहे हैं, सिर्फ फैमिली ही नहीं, फ्रेंड कलीग या सोसाइटी भी, वहां पर एक्सपेक्टेशन मत रखिए। जहां आपके इमोशन लग गए आप समझिए यहाँ पर देना ही है, निस्वार्थ भाव से जाना है, किसी तरह की एक्सपेक्टेशन रख ली, इन रिटर्न नहीं आना है कुछ भी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, परमात्मा ने आपको देने के लायक बनाया है। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी डेवलप ठीक है। जब ये दोनों पोर्शन डेवलप होते हैं तो चाहे कोलेस्ट्रॉल का इशू हो, फैटी लिवर का इशू हो, ये सब डिजोल्व खत्म यानी हो जाता है, क्योंकि मंगल रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत स्थिति में लेकर के जाते हैं। आपके लाइफ लाइन की कंडीशन भी सुधर रही है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग सुधार आपको विद इन 2 ईयर्स में देखने को मिलने वाला है। थंब का सही शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस लेना, इमीडिएट एक्शन या डिसीजंस में चेंजेस कर लेना, रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व भी होना, मूव ऑन या लेट गो चीजों को जल्दी कर पाना, किसी न किसी तरह के फॉलोअर आप जैसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए कोशिश करें कि आप उन्हीं लोगों को फॉलो करें, फॉलो यानी उन्हीं लोगों को चाहें जो लोग बहुत ज्यादा सात्विक हो, पॉजिटिव हो, जिन्होंने लाइफ में बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित किया हो। स्पिरिचुअल गुरु आप जैसे जातकों को डेफिनेटली बनाना चाहिए, जिनसे आपकी रेगुलर बेसिस पे बातचीत होती रहे या मिलना जुलना होता रहे, ताकि आपके अंदर बहुत हाई लेवल की एनर्जी आ सके, क्योंकि शॉर्ट थंब वाले लोगों को सिर्फ डायरेक्शन की कमी होती है। अगर डायरेक्शन प्रॉपरली मिल गया तो फिर उसके लाइफ में किसी भी हद तक पहुंच पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं, क्योंकि शॉर्ट थंब या फिंगर बहुत ग्रेटेस्ट लेवल का फॉलोअर बनाता है, बहुत डिवोटेड बनाता है। यहाँ पर योग का साइन भी आपका डेवलप है। अगर आप रेगुलर बेस मेडिटेशन करें, प्राणायाम या योगा भी करें, किन्हीं भी मंत्रास के चैंटिंग करें, तो आप पाएंगे कि आपको इंट्यूशन डेवलप होने लगेगा, सिक्स्थ सेंस आने लगेगा, जिसके कारण पूर्व अनुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और जब भी फर्स्ट फैलेंज के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये हाइपरटेंशन एंड वरीज देता है, तो ये चीजें भी आपकी खत्म हो जाएगी। हाइपरटेंशन या वरी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन है, जो व्यक्ति को डीप थिंकर, ओवर थिंकर, नेगेटिव थिंकर बनाती है। आप जैसे जातक हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ दिमाग में चलते ही रहता है, सोचने की बहुत गहरी आदत देता है, इमेजिनेशन को बहुत डेवलप करता है, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर देता है। अब ये माइंड लाइन उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो लोग रिसर्च सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, चाहे वो साहित्य या फिर कवि ही क्यों ना हो, लेकिन अपने क्रिएटिविटी को निखारते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत सूट करता है। लेकिन अगर ये सारी चीजों में आप इंगेज्ड नहीं है तो ये कॉम्बिनेशन फिर ओवर थिंकिंग से नेगेटिव थॉट देता है, जो कि यहाँ पर फर्स्ट फैलेंज पे दिखाई देता है कि चिंतित स्वभाव है आपका। सेकेंड फैलेंज के ऊपर में भी आड़ी रेखा जब भी हो तो लड़ाई, झगड़ा, बहसबाजी या अपने आप को सही प्रूफ करने से पीछे हट जाना चाहिए। आपकी लॉजिक ज्यादा सेटिस्फाइड किसी को कर नहीं पाएगा, आपकी एनर्जी को वेस्ट करेगा, तो इससे अच्छा आप अपने योग के साइन को ही डेवलप कर लिए, क्योंकि आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म दोनों बहुत अच्छा लेकर के आने वाला है। पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इस कंडीशन में हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट, दूसरों के लिए डिवोशन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा आपका एक्टिव है, तो पूर्वानुमान, आभास अच्छे से लगना, कॉन्शियस माइंड भी आपका एक्टिव अच्छा है, तो चीजों को सीख समझ पाना, बहुत गहरे में अध्ययन कर पाना, लोअर जोन आपका डेवलप होने के कारण लाइफ में अपने सिक्योरिटीज, लग्जरीज, कंफर्ट को बढ़ाना, लोअर और मिडिल जोन भी और अपर जोन भी आपका इनफ डेवलप है। जब हथेली में सभी माउंट इनफ डेवलप होते हैं तो हर ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है, लेकिन रेखाएं अगर डिस्टर्ब हो तो पॉजिटिव एनर्जी भी नेगेटिव हो जाती है। तो ये दो जगह पे आपकी एनर्जी नेगेटिव हो रही है। सबसे पहला सूर्य है, जो आत्मबल, आत्मविश्वास को कम कर रहा है, फोकस किसी काम के लिए डेडिकेशन को भी कम कर रहा है,
और जो नेम फेम सक्सेस रिकॉग्निशन होना चाहिए उसको कम कर रहा है। चंद्र के ऊपर में आड़ी रेखा, ये मन को विचलित करती है, भटकाती है, मन एकाग्रचित होना मुश्किल रहता है। तो यहां पर मन और आत्मा ये दोनों जब हल्की फुल्की पीड़ित दिख रही हो तो लाइफ में अंधेरा कहीं ना कहीं से आता ही है, और इसी कारण से आप जैसे जातक अधिकतर मामलों में स्ट्रेस वरीज एंजाइटीज में देखने को मिलते हैं। आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत नेगेटिव साइन ही नहीं है, क्योंकि अगर चंद्र की स्थिति में भी हम देखें तो यहाँ पर आपकी पॉजिटिव साइन डेवलप होना, जैसे स्क्वायर ट्रायंगल ऐसे साइन डेवलप होना शुरू हो रहा है, और सूर्य ऊपर में आपके स्क्वायर का साइन आ ही चुका है जो कन्फर्मेशन देता है कि अगर आप कोशिश करें तो आपको फॉरेन से कनेक्शन जॉब सेटलमेंट मिल सकता है, या फिर अगर आप खुद का भी काम करने जाएं तो आपको प्रॉपर सक्सेस और ग्रोथ लाइफ में देखने को मिल सकती है। और अगर आपने सिर्फ जॉब ही करना है तो जॉब में सन रेमेडी प्रेफर करने के बाद में साइड बिजनेस, साइड वर्क या सर्विस डेफिनेटली दीजिए, क्योंकि आपकी जो लक लाइन है वो डबल लक लाइन में कन्वर्ट हो रही है, और इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपका अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होने जा रहा है। अब अगर यहां पर हम देखेंगे तो इसके पहले आपकी कोई भी ऐसी डबल लक लाइन नहीं रही, इसी लक लाइन से मर्करी लाइन निकली जो आपको आपकी कैपेबिलिटीज को निखारी या लर्निंग आपको आपकी लाइफ में अच्छी खासी दी। अगर इन सब का एज यहाँ पर जज करेंगे तो ये समय आपकी लाइफ का बैठेगा तकरीबन 26, 28 और 31, इन सभी उम्र में आपने अपनी काबिलियत को निखारा। फिर इसके बाद में आपकी डबल लक लाइन यहां पर आ रही है और ये समय आपके लाइफ का अप्रोक्सीमेटली 42 का है, तो यानी आने वाले 2 साल जो आपको कहे हैं कि 2 साल में आपकी स्थितियां बहुत ज्यादा बेटर होने जाएगी फाइनेंशियल वे में, वो इसी कारण होने जाएगी क्योंकि डबल लक लाइन आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी को ऐसा इंक्रीज करेगी कि एक सोर्स से अर्निंग आपकी ईएमआई और बाकी सभी जरूरत की चीजों को फुलफिल करेगा और एक सोर्स ऑफ अर्निंग आपके सेविंग इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएगा, और ये दोनों ही लक लाइन आपके सैटर्न से कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि थोड़ा हार्ड लाइन पे ही रुकी हुई है, लेकिन इसमें से बहुत स्लाइटली लाइन जैसे कि ये लाइन सैटर्न तक कनेक्ट कर गई है, और यहाँ पर ये जो दूसरी ऊपर से नीचे रेखा आ रही है ये भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस लेकर के आएगी। तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है जो कन्फर्मेशन देता है कि आप अपने तकलीफ और परेशानियों से निश्चित रूप से बाहर निकल सकेंगे, और आपका भाग्य उदय 42 के एज में है, क्योंकि अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो यहाँ पर भी हम देख सकेंगे कि आपकी लाइफ लाइन की कंडीशन पूरी बेटर हो गई है। छोटे छोटे ट्रायंगल के फॉर्मेशन, बड़े ट्रायंगल के फॉर्मेशन आने शुरू हो गए हैं, एक प्रोग्रेस लाइन भी अवेलेबल है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन हेल्थ को तो अच्छा करते ही है, इन्वेस्टमेंट्स इतने शानदार कराते हैं जैसे खुद का आलीशान घर हो जाना, प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी डेवलप हो जाना, खुद का काम या व्यवसाय हो जाना, ये सब कुछ आपकी लाइफ में 42 के बाद से होने जाएगा, इसीलिए ये सब इंडिकेशन अच्छे हैं। फिलहाल आते हैं आपके जुपिटर माउंट के विषय में। तो जब भी जुपिटर माउंट के ऊपर में विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आता है, चाहे हल्का फुल्का ही क्यों ना आ जाए, ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बनाता है। आप जैसे जातकों के लिए धर्म, अध्यात्म, ये सब बहुत चीज जो है बड़ी होती है, और चाहे कोई भी धर्म हो सबके लिए समर्पण या मान्यता एक ही होती है। आपके लिए चीजें ज्यादा अलग नहीं रहेगी कि अलग धर्म है, यहाँ अलग नीतियां या एक तरीके से सोच विचार है, आप सभी को मानेंगे, सभी को पूजेंगे, सभी के लिए आपके अंदर साफ सुथरा मन या दिल देखने को मिलेगा। इस तरीके का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को स्पिरिचुअली इंक्लाइनमेंट रिप्रेजेंट करता है कि आपको सच में 7 चक्र में से कोई भी चक्र जागृत हो सकता है अगर आप ध्यान देना शुरू कर दें। इंट्यूशन, पूर्वानुमान, जो कह देना वैसा हो जाना, जैसा सोच लेना वैसा होने लगना, ईश्वर के निकटतम जो इंसान होते हैं उनके हथेली में जुपिटर पे आड़ी रेखा या विंडो साइन या स्क्वायर साइन ऐसे कॉम्बिनेशन डेफिनेटली आ जाते हैं। यहां पर आपके ऊपर कुल देवी देवता की या पितृ पूर्वजों की कृपा बहुत असीम है। आपने ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रांगली पूछा है कि मेरा इस जन्म में आने का कारण क्या है, मकसद क्या है, पिछला जन्म मेरा क्या था, ये तो अभी लेफ्ट पाम से पता चलेगा कि आप अपने साथ क्या लेकर के आए हैं, लेकिन जुपिटर पे इस तरीके का साइन कंफर्मेशन दे रहा है कि आप समाज सेवा या बहुत बड़े स्तर पर दूसरों की मदद करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये विंडो सिंबल इसलिए ही आपको इतनी बड़ी बड़ी चीजें देने के लिए प्रेरित कर रहा है या देगा आगे चल करके,
ताकि आप इससे अपना फायदा बाद में करें या पहले करें, लेकिन आप सबसे ज्यादा दूसरों का फायदा करें। तो ये कॉम्बिनेशन में आप दान धर्म पूजा पाठ भजन संसंग कीर्तन इन सारी चीजों में पहले से डिवोटेड होकर के आए हैं। ये सारी चीजें आपसे भिन्न नहीं है, ये सारी चीजें आपसे जुड़ी हुई है। तो ये कॉम्बिनेशन में सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जाना कहाँ है, बैठना किन के साथ है, क्या सोचना है, क्योंकि जुपिटर हैप्पीनेस है, विजडम है, नॉलेज है। आप जितना ज्यादा सोशली अपने आप को अवेलेबल कर देंगे, सोशली एंगेजमेंट यानी अपने बढ़ा देंगे, किसी भी मंदिर डेली जाना शुरू कर देंगे या फिर जो सामाजिक समूह कार्यक्रम होता है उन सारी चीजों में जाना शुरू कर देंगे, आप पाएंगे कि आपका रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, पहचान बढ़ रहा है, वैल्यूज बढ़ रही है। और ये कॉम्बिनेशन आपको कोई भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल वे में दे सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है आध्यात्मिकता के लिए, रहस्य विद्याओं में रुचि रखने के लिए, और आप जैसे जहां तक अपने फैमिली को सर्व करने के बाद में सोसाइटी को सर्व करते हुए पाए जाते हैं। यहां पर ये कॉम्बिनेशन अगर हम देखें प्रॉस्पेरिटी या विजडम के हिसाब से, तो प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी ये सारी चीजें समय के साथ साथ आती चली जाएगी, लेकिन अगर आप जितना ज्यादा कंसर्न अपने उद्धार दूसरों के उद्धार के विषय में करेंगे उतना ज्यादा ये चिन्ह बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव होता जाएगा, बड़ा सक्सेस आपके लाइफ में देखने को मिल सकता है। आड़ी रेखा है बच्चों को बहुत ज्यादा लायक बनाती है, सफल बनाती है, प्रोग्रेस लाइन एम्बिशियस बनाती है, और जब भी किसी के ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बनता है प्रोग्रेस लाइन से लाइफ लाइन की शुरुआत में, तो अपने भाग्य से परिवार वालों को फायदा मिल जाता है। तो आपके जन्म के बाद से तकरीबन उम्र आपकी उस समय 14 से लेकर के 18 के बीच में थी, इस समय पर आपके भाग्य से बहुत ज्यादा लाभ आपके परिवार को मिला है, आपकी सोच में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है, आपके लर्निंग्स में डेवलपमेंट हुआ है, और आपने सेल्फ मेड वे में वर्क करना इसी पीरियड से यानी 18 के आसपास से शुरू किया है। इसके अलावा भी छोटी छोटी और रेखाएं हैं जुपिटर पे जो आपको एम्बिशियस अपने लिए नहीं दूसरों के लिए बनाएगी, जैसे दूसरों की इच्छाओं पर काम करना, दूसरों की इच्छा के लिए काम करना, दूसरों को खुशी प्रदान करने के लिए काम करना, ऐसे एम्बिशंस आपके अंदर आते रहे हैं और आते जाएंगे। आपका जुपिटर की कंडीशन बहुत अच्छी, आपको विजडम बहुत अच्छा हो जाएगा। आप कोई भी गुरु बनाइए, स्पिरिचुअल गुरु डेफिनेटली बनाइए, नहीं बन रहे हैं तो शिव जी की आराधना कर लीजिए, स्पिरिचुअल बुक डेली पढ़ते रहिए, अपने आप को भजन सत्संग जैसी चीजों में इन्वॉल्व रखिए। ये आपके लाइफ का सारा मकसद, जो आपका प्रश्न था क्यों आए हैं, यही से आपका मकसद पूरा हो जाएगा और मकसद समझ में आ जाएगा। मकसद पूरा होने के बाद मोक्ष मुक्ति भी आपको मिलने वाला है। आपका जुपिटर अच्छा है, फैटी लीवर का जो इश्यू है इस चीज को ठीक रखने के लिए मंगल का आप सहारा लीजिए। मंगल के सहारा में आप ये जरूर करिए कि एक नीम का पेड़ लगा लीजिए, क्योंकि हम जब एनर्जी यूनिवर्स को देते हैं और फिर उसके बाद इन रिटर्न हमारे इशू डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो नीम का पेड़ मंगल का है, एकदम बच्चे जैसी देखभाल करिए, लगाइए उसको, गर्म पानी अधिकतर पिया करें, और मंगल में शारीरिक श्रम चाहिए। तो इस कंडीशन में आप जितना थोड़ा बहुत भी खाली बैठ रहे हैं उस समय पर उठिए, थोड़ा बहुत टहल लीजिए, ऐसे सभी काम करिए जिससे आपको पसीना आए, ताकि मंगल की स्ट्रेंथ के कारण आपका जुपिटर बैलेंस होना शुरू हो, क्योंकि जुपिटर आपको ओवर सेंसिटिव ओवर इमोशनल बना रहा है। मंगल के सपोर्ट के कारण आपके इमोशन बैलेंस होने लगेगा, प्रैक्टिकल लॉजिकल डेवलपमेंट होने लगेगा, ओवर थिंकिंग जैसी चीजों में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। सैटर्न की कंडीशन पर हम आएंगे, तो सैटर्न की कंडीशन में आप एक चीज बहुत बारीकी से देखिए कि एक ये लक लाइन है ही, एक रेखा नीचे निकली और एक रेखा यहां पर आके ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बना दी। ये जो ट्रायंगल होता है, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा कार्य कर जाते हैं कि आने वाली जनरेशन आपको पूजे, तो ट्रायंगल का साइन सैटर्न पे आता है। लेकिन ये ट्रायंगल थोड़ा कटपिट के बन रहा है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग स्ट्रगल देता है, देन आफ्टर आपको इतना सक्षम या सफल बना देता है कि आपके नाम से मूर्ति हो जाए या फिर आपको पूजा जाए। ये कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन देता है कि आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस डेफिनेटली होगा, मटेरियलिज्म इनफ अमाउंट पे रहने वाला, और आप न्यायप्रिय किस्म के इंसान रहने वाले।
इसीलिए आप अन्याय पसंद ही नहीं करेंगे, ना अपने साथ होने देंगे ना किसी और के साथ होने देंगे। इसलिए आपकी जो सैटर्न की इंडिपेंडेंट लाइन है जो ऊपर से नीचे आ रही है, ये आपको ओल्ड एज बहुत अच्छा देने वाली है, बहुत सेवा आपको मिलने वाला है अपने या दूसरे लोगों से भी। और बायफोर्ग का कॉम्बिनेशन खर्च अधिक कराने के बावजूद भी पैसा अनेकों माध्यम से देता है। सैटर्न की कंडीशन आपकी बहुत अच्छी जा रही है, आपने बहुत सत्कर्म किए हैं, पुण्य प्रताप के कर्म किए हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी ये सारी चीजें नहीं की है, तो सैटर्न इसीलिए बहुत फ्रूटफुल हो रहा है। और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल का साइन शो होने लग रहा है, ये ट्रायंगल जितना बड़ा होता है उतना बड़ा सक्सेस इन टर्म्स ऑफ करियर मनी स्पिरिचुअल वे में देखने को मिल जाता है। आपकी लक लाइन की कंडीशन जो अभी बात की गई 42 से बेटर हो रही है, तो यहाँ आप देखेंगे कोई स्ट्रगल स्ट्रेस 42 के बाद में नहीं आ रहा है। एक रेखा डेफिनेटली आकर के काट की गई लाइफ लाइन पर, अगर इसका जजमेंट हम करें तो 35 और लक लाइन पर इसका जजमेंट करें तो 37। तो 35 से 37 और 8 के मिड का पीरियड आपकी लाइफ में करियर, फाइनेंस, हेल्थ, फैमिली के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा नेगेटिव था। उसके पहले में मरकरी लाइन ही हमेशा ऐड होती गई जो आपके लर्निंग्स को, स्किल्स को बढ़ाते गए। अब आपने थोड़ा बहुत भी अगर अपने व्यापार और इंडिपेंडेंट वर्क पे ध्यान दिया तो कोई भी मरकरी लाइन इस तरीके से डेवलप हो जाएगी कि मनी ट्रायंगल भी कंप्लीट हो जाए, माइंड लाइन पे भी बायफोर्क बन जाए और ये कॉम्बिनेशन मल्टी मिलियनर बना देता है। क्योंकि मनी ट्रायंगल पैसा सेव अच्छा करा देता है, सेविंग माइंड बनाता है, इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हो जाते हैं और माइंड लाइन पे ट्रायंगल का साइन बेसिकली अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की आदत बहुत ज्यादा अच्छी देता है। ओवरऑल आपका लक शुरुआत से अच्छा रहा है, आपके लक से हमेशा दूसरों को फायदा मिला है, मूल लक लाइन भी ऐड हुई जिसके कारण एक से ज्यादा इंटरेस्ट या टैलेंट शुरुआती लाइफ से ही आपके अंदर था। बर्थ प्लेस से दो सेटलमेंट होने के चांसेस इस तरीके का ट्रायंगल देता है। यहाँ पर आपको जो स्क्वायर पे बताया गया सूर्य पे, तो ये आपको फॉरेन कनेक्शन या अच्छा सेटलमेंट बाहर दे सकता है। इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। अपना ज्ञान, योग्यता, कर्म हमेशा दूसरों के काम आता है, इसीलिए जो व्यक्ति आपसे जुड़ेंगे या जिनसे आप जुड़ जाए उनको लाभ मिलना तय है। किसी को आपने एडवाइस सजेशन दे दिया वो आपके काम ना आए, दूसरों के काम बहुत अच्छे से आएगा ही। इस विद्या रेखा में प्रॉब्लम ही यह होती है कि अपना ज्ञान अपने काम कम, दूसरों के ज्यादा आता है। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा ये सजेशन देते हैं कि आप एज अ कंसल्टेंट, एज अ मीडिएटर, एज अ एजेंट, एज अ सर्विस सेक्टर डेफिनेटली वर्क करिए, ताकि आपके जीवन में ये जो आपका भाग्य है इसका उपयोग दूसरों के लिए भी हो, दूसरों से पैसा भी जो आ रहा है उससे आपका भी भाग्योदय हो। सूर्य के क्षेत्र पे जब भी क्रॉस का साइन आता है तो इस कंडीशन में फादर का सपोर्ट कम मिलता है, या कम उम्र में फादर चल जाते हैं, या फादर से अनबन होती है, या प्रॉपर वहां से सपोर्ट, सक्सेस जैसी चीजें नहीं मिल पाती। उसी जगह जब स्क्वायर का साइन मौजूद हो तो ये फादर के फादर यानी आपके दादा परदादा, इन सबकी कृपा दृष्टि को, दया को दर्शा रहा होता है। ये कॉम्बिनेशन इस बात को भी कंफर्म कर रहा है कि आप अपने पितृ पूर्वजों के द्वारा ही आए हैं, लीनिएज में ही आए हैं अपने, और अपने आप को सर्व करने के आए हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको टैलेंटेड बना रहा है, स्किलफुल बना रहा है। स्क्वायर के साइन की बात हो रही है सिर्फ, कि ये कॉम्बिनेशन स्क्वायर कंफर्मेशन देता है, सिक्योरिटी देता है कि आपका टैलेंट बेकार नहीं जाएगा। इसीलिए इस टैलेंट की कदर कभी भी जन्म स्थान पे, घर परिवार में नहीं होती, ये टैलेंट सब बाहर में यूटिलाइज होता है, बाहर में इसकी कदर होती है। और अगर खुद से काम करना शुरू कर दिया, खुद की सर्विसेज देना शुरू कर दिया जिसमें लिमिटेशन, बाउंडेज या बाउंड्री ये सारी चीजें नहीं है, तो और अच्छा ये रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि राजा को जो सिग्निफाई करता वो है सूर्य, और राजा अगर नौकर जैसा काम करे तो उसको सिग्निफाई करता है सैटर्न। तो सैटर्न नहीं, आपका सन अच्छा है तो आपको थोड़ा राजा इंडिपेंडेंट जैसा वर्क करना पड़ेगा। रिस्क आप ले रहे हैं तो अपने ऊपर लीजिए, अपने करियर में लीजिए, आपको पूरा रिजल्ट आएगा। और सन रेमेडी के बाद में ये एक क्रॉस का साइन थोड़ा धुंधला होता दिखेगा, और त्रिशूल का साइन अगर बन गया प्रोमिनेंटली तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या बहुत सारे सोर्सेस से नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस मिलने के योग बन जाएंगे। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस होना बहुत अच्छा माना गया है, ये कॉम्बिनेशन बहुत मीठा बोली करवाता है, बोलवाता है। आप जैसे ज्यादा इजिली किसी को भी अट्रैक्ट कर लेंगे, अपनी बातों से प्रेरित प्रभावित कर लेंगे, किसी के भी अपने हो जाएंगे, सबको कंफर्ट दे देंगे। ये कॉम्बिनेशन हॉस्पिटैलिटी, सिंपैथेटिक नेचर देता है, बिजनेस लक, बिजनेस सेंस देता है, लोगों को जोड़े रखने के कारण लोगों से फायदा भी देता है।
सेंसेस बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो जल्दी सेंस कर लेते हैं किसी की भी भावनाओं को। ये कॉम्बिनेशन बहुत सारे इंफॉर्मेशन, और जैसे आप कंप्यूटर लाइन से बिलोंग कर रहे हैं तो बहुत ग्रेट स्किल्ड देगा आपको, जिसके कारण 10 स्टेप के काम को कैसे 2 स्टेप में करना है, ये कॉम्बिनेशन आपके पास रहेगा। हृदयरेखा के अंत में गौपुच क्या करती है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर, फ्रेंडली फ्रेंकली टाइप का नेचर बिल्ड करती है। हार्ट लाइन के ऊपर कोई भी मेजर इश्यू नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको मेजर हेल्थ इश्यू नहीं आएगा। एक हल्का सा इसमें लाइन में चेंजेस है क्रॉस के कारण, ये समय आपका 52 के आसपास का है। इस समय आपको हार्ट डिसीज होने के चांसेस या हार्ट अटैक आने के चांसेस रहेंगे। क्षमा करेगा इतने कठोर शब्दों का उपयोग हो रहा है, लेकिन ये अभी इसीलिए ही किया जा रहा है ताकि अभी समय नहीं है कि आपको ये चीज हो ही, कंफर्म कोई भी साइन नहीं है कि आपको ये चीज हो गई, तो अभी से भी थोड़ा प्रिकॉशन आप रख लेंगे, मंगल की एनर्जी को हाई कर देंगे। कुछ भी खाइए पीजिए, लेकिन मंगल को स्ट्रॉन्ग करना मत भूलिए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद में आपकी जो हार्ट लाइन है वो पूरा जुपिटर से जुड़ी हुई है। जुपिटर से जब भी हार्ट लाइन जुड़ती है, चाह करके भी धोखा नहीं दे पाते, बुरा कर ही नहीं पाते। अगर आपको किसी का काम कराने के लिए कमीशन भी देंगे ना, तो भी आपकी आत्मा ललकार जाएगी कि ये गलत चीज है। मतलब ये कॉम्बिनेशन इतना ईमानदार, ऑनेस्ट, लॉयल, डेडिकेटेड, दिल का बहुत साफ बनाता है, दयालु, कृपालु, दूसरों का मदद करने वाला, दूसरों की भावनाओं की कद्र करने वाला बनाता है। आमतौर पर आप जैसे जातकों का मिसयूज ही होता है, क्योंकि बहुत साफ सुथरा दिल रखना आज के समय पर थोड़ा श्राप के अतिरिक्त माना जाता है। तो आप जैसे जातकों का फायदा कहाँ है, सिर्फ परमात्मा में या खुद में। खुद में ही परमात्मा आपको दिख जाएंगे, नहीं तो परमात्मा में आप खुद दिख जाएंगे, अगर आपने अपने इमोशंस को सही जगह लगा दिया तो। आप ये ध्यान रखिए कि आपको परमात्मा ने लेने के लिए नहीं बनाया है, देने के लिए बनाया है। चाहे वो भावनाएं हो, भावनात्मक सपोर्ट हो, या पैसों से संबंधित हो, या कुछ राय विमर्श हो, तो आप सिर्फ दीजिए, देने का काम करिए। कर्ण का जैसे भूमिका रहा है, आप उस पर ध्यान रखिए। तो ये कॉम्बिनेशन आपको किसी भी लेवल पर डिस्टर्ब नहीं करेगा। और दूसरा ये बात ध्यान रखिए कि आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन है, ये माइंड लाइन हमेशा कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर करेगी ही, इसलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है, तो अपने आप को बिजी रखना है। चाहे कोई टैलेंट अपना निकाल लीजिए, या अपना इंटरेस्ट पैशन हो भी फॉलो कर लीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मिल रहा है, तो बाहर में घूमने चल गए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ट्रैवलिंग भी अच्छा देता है, ट्रैवल मतलब घूमने फिरने का शौकीन भी मनाता है, और बायफोर का साइन इंटेलिजेंसी अच्छी दे देता है, जैसे एक समय पर एक से ज्यादा काम करने की आदत, एक समय पर एक से ज्यादा काम संभालने की आदत। मतलब आप एक ही जगह बैठे हैं, 10 तरह के भी काम आ गए तो धड़ाधड़ आप कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये माइंड लाइन ही ऐसी है, बायफोर्क माइंड लाइन को आदत ही है मल्टीपल वर्क एक ही समय करने की, माइंड सेट ही वैसा हो जाता है। इसलिए एक बार उठते हैं 10 काम खत्म करने की युति देता है, और माइंड लाइन शॉर्ट होने के कारण आप को थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा लेन देन नहीं रहेगा, आप प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल्ड बेस्ड नॉलेज इतना लेते जाए आपके लिए अच्छा रहेगा, और माइंड हमेशा से आपको प्रेशर में रहा है, क्योंकि माइंड लाइन फैला हुआ है, तो छोटे छोटे प्रेशर हमेशा लाइफ में बने ही रहे हैं, ये 48 तक रहेगा आपका, उसके बाद माइंड लाइन बहुत ज्यादा स्मूथ हो रहा है। चाहे तो इस माइंड को अभी से ही ठीक कर लें, अपने आप को व्यस्त रख करके। इसमें से प्रोग्रेस लाइन जब जब निकली तब तब ग्रोथ मिली, या फिर प्लानिंग सफल हो गई, डिसीजन सफल हो गया। समय था 18-19 का, 23-4 का, और 27-8 का। उसके बाद एक स्ट्रगल लाइन है, वो भी पॉजिटिव लाइन में कन्वर्ट हो गई, ये समय था 33-4 का। तो यहाँ पर आपकी माइंड लाइन की स्ट्रेंथ ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है। लाइफ लाइन में जब भी इस तरीके के चेंजेस होते हैं, तो देखिए सर, ये कॉम्बिनेशन बहुत लक्की लोगों के हाथ में होता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत पॉजिटिवली चेंज करता है। तो ये चीज आपके लाइफ में 20 देन आफ्टर 21, उसके बाद में तकरीबन 26-27 से भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत चेंज हुई। एक मेजर स्ट्रगल फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग 30 से 33 के मिड में, और यही फिर 35 से 37 के मिड में रहा। फिर उसके बाद में प्रोग्रेस आपने अपने एफर्ट से अराउंड 37 के आसपास में किया, अभी आप 42 के एज में करने जाएंगे। सपोर्टिव लाइन आपके पाम में जो एक्टिवेट हुई है वो 27 और 8 के बाद हुई है, तो इसके बाद थोड़ा बहुत सहयोग दृश्य अदृश्य शक्तियों का मिला। आगे चल करके और नए नए सपोर्ट सिस्टम एड होते जाएंगे, तो टेम्पररी बेस बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलेगा,
और लाइफ लाइन थोड़ा बाहर की तरफ झुका हुआ है, इधर पे ट्रायंगल आ रहा है, इधर पे भी ट्रायंगल आ रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट एंड सक्सेस के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और ये फिश सिंबल का साइन केतु पर सडन गेन प्रोग्रेस मोक्ष मुक्ति दे रहा है आपको। शुक्र के ऊपर इतनी सारी आड़ी रेखाएं, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग अननेसेसरी वरीज, पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग नेचर या जिद्दी किस्म के देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर मंगल की स्थिति ठीक जा रही है, इधर स्क्वायर का साइन मल्टीपल प्रॉपर्टी आपको दे सकता है अगर यह इसकी एनर्जी हमने पॉजिटिव कर दी जो उन सब रेमेडीज से हम करवाएंगे। चंद्र की स्थिति भी डेवलप ठीक है, लेकिन आड़ी रेखाएं घर के बाहर ज्यादा मन लगवाती है, मन थोड़ा विचलित होता है, रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है। आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, ये करने से आपके जीवन में समृद्धि विकास तो बहुत होगा। और अगर आप चाहें अपने जीवन में खुशियां और ज्यादा समृद्धि पाने के लिए तो जुपिटर का स्टोन यानी पुखराज आप पहन सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी विजडम, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ या फिर ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी के लिए। व्यापार अगर आप करना चाहते हैं और व्यापार में बहुत ज्यादा समृद्धि पाना चाहते हैं, देन आफ्टर आप बुध पन्ना डेफिनेटली धारण कर सकते हैं। ये दोनों नग में से आप कुछ भी पहन लिए, दोनों में लाभ है, पुखराज में ज्यादा आपको लाभ मिल जाएगा। और इसके अलावा सन के लिए आप जो है सन रेमेडी प्रेफर करिए, जिसमें आदित्य हृदय स्त्रोतम का पाठ करना है और सूर्य को अर्घ देना है। और भी जो रेमेडीज या प्रिकॉशन रहेंगे वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। ये सब कुछ रेमेडी आपके लाइफ में आपके गोल को फुलफिल कराएगा, एम को फुलफिल कराएगा, डिजायर को कंप्लीट कराएगा। सारे कर्मास क्लियर करने के बाद लाइफ में आनंद, सुख, संपन्नता जैसे चीजों को आप भोगेंगे। और लेफ्ट पाम में हम आते हैं, तो इस लेफ्ट पाम में आप ये देख सकते हैं कि यहां पर आपके सूर्य के क्षेत्र पर ही एक बहुत माइनर लेवल पे फिश सिंबल का साइन यहां पर इस तरीके से आ रहा है, और एक बहुत हल्के से लेवल का यहां पर भी है। इस तरीके के साइन व्यक्ति को बहुत सक्षम बनाते, बहुत ज्यादा सफल बनाते, लेकिन हो ये गया है कि सारे लाइन्स एक दूसरे से कट पिट रहे हैं बार बार, तो उस कारण से डायरेक्शन लेस लाइफ कहीं ना कहीं जा रही है। एक ये कमी है, सैटर्न के ऊपर आड़ी रेखा मूड स्विंग्स मूडी नेचर देता है। और यहां पर देखेंगे तो लक लाइन बिखर के चल रहा है 41 तक, और उसके बाद इसकी स्थिति ठीक हो रही है। मून लक लाइन यहां पर अटैच होने के कारण फॉरेन से कनेक्शन, बाहरी दुनिया, लोगों से लाभ, पार्टनर भी अर्निंग करते हुए या फिर अर्निंग में सपोर्ट करते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन राइट हैंड में होता तो डेफिनेटली पार्टनर का भरपूर सपोर्ट आपको आ रहा होता। यहां पर मर्करी लाइन डेवलप हुई है, लाइफ लाइन की कंडीशन बेटर हुई है, सपोर्टिव लाइन अच्छी एक्टिव हो रही है, तो देखिए इंडिकेशन बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव है हर विषय को लेकर के। बस सैटर्न की कंडीशन हमें सन की कंडीशन बेसिकली अच्छी करने की और जरूरत है, बाकी कोई और तनाव या परेशानी आपके जीवन में नहीं है। रोग, ऋण, शत्रु जैसी चीजों से मुक्त रहना है, क्योंकि बाहरी मंगल पर जब ज्यादा रेखाएं आड़ी हो जाती है तो रोग, ऋण, शत्रु बढ़ जाते हैं। तो इस चीज को ठीक रखने के लिए काल भैरव अष्टकम को सुनना या चैंट करना और एक बार काशी में जरूर जाना, ये सारी चीजें आपके काल को खत्म करेगी जो रोग, ऋण, शत्रु के माध्यम से आ रहा है, और मंगल का रेमेडी और इन सारी चीजों में पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगा। तो आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।